अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है, भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। स्कूल में देते थे बच्चों को, 3 साल का बच्चा घर से उठा कर लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ कर पढ़ो। इधर तक देखे, मेरी बेटी एक है, हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू। माँ वो बताती है, मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं लेकिन कम अज़ कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से फ्रेंड, एक ऐसी पाकिस्तानी आंटी का इंटरव्यू लेके आए हैं जो भारत घूमने आए और भारत की जो स्कूल है उसकी दीवानी हो गई, तो उसका इंटरव्यू ले रही है निम्रा। तो निम्रा की इस वीडियो को देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। नहीं, आपने उनकी इंग्लिश देखी है लैंग्वेज कभी भारत की? किस तरह फर फर बच्चे बोलते हैं, बच्चे फर फर बोलते हैं। तो हमारे इधर जो हैं बच्चे, उन्हें उर्दू तक आप 8वीं 9वीं के, मैं तो हैरान होती हूँ। किताबें देखी थी उनकी? किताबें देखी हैं उनकी, इंग्लिश की उनकी बुक्स हैं बचपन से जो उन्हें लगवाई जाती हैं। उन्हें उर्दू पर इतना नहीं कब फोर्स किया जाता है जितना उन्हें इंग्लिश पर किया जाता है। ऐसे उनकी इंग्लिश नहीं है कि क्या देखिए आपने वहाँ पर, आप लास्ट टाइम कब गई थी? हम लास्ट टाइम जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 दौरे हुए हैं, मुझे लास्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन काफ़ी पहले गई थी। हाँ जी काफ़ी पहले गई। तो वहाँ पर मेरा ख्याल है तरक्की कम होगी? तब तरक्की कम थी, तब खाना स्कूल में देते थे बच्चों को, 3 साल का बच्चा घर से उठा कर लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गांव के, शहर के नहीं, हाँ गांव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। खुद उठा कर लेके जाते थे कि पढ़ो आकर? हाँ कर पढ़ो। तो यहाँ पर इससे उल्टी सुनते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, गुर्बत है। अब अगर बच्चे के माइंड में ये चीज़ डाल दी जाए ना कि चलो आज छुट्टी कर लो कोई बात नहीं, तो वो बच्चा ना पक्का हो जाता है आगे को, फिर वो पेट दर्द का बहाना, कभी किसी दर्द का बहाना। तो इसलिए बच्चे के दिमाग में पहले ये चीज़ें नहीं डालो। आंटी जी ने बोला है गाँव की बात की है कि वहाँ, हाँ बच्चों को बचपन से ही उठा के इसलिए लेकर जाते हैं हम इनका, बल्कि वो देखते हैं कि अगर नहीं हो आपका बिल इस चीज़ के, हम आपका तमाम खर्चा उठाएंगे, हम हर चीज़ करेंगे, यानी कि वो खुद चाहते हैं हम आगे बढ़े। आपकी फैमिली मुसलमान है ना वहाँ पर? हाँ जी हम सब उधर मुसलमान हमारे फैमिली है। तो उनको सही, मतलब वहाँ पर सारा सही रहते हैं, वो कोई मसला तो नहीं है उनको? नहीं नहीं कोई मसला नहीं, दिल्ली वगैरह में होती है लेकिन हाँ। तो कोई मसला नहीं है वहाँ? नहीं वहाँ मसला कोई नहीं, ये इन चीज़ों का है कि भारत वाले जो है ना कोऑपरेट करके चलते हैं। हम तो कहते हैं कि कहाँ कोई हाल ही नहीं है वहाँ का। नहीं 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 नहीं, वो बहुत हम लोग बल्कि जाते हैं मेहमान नवाजी हमारी, वो बल्कि खुश होते हैं। बल्कि आप इधर तक देखें, मेरी बेटी एक है, हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू। तो हैदराबाद वो शादी करके गई है, जेहलम मैं रहती हूँ, वैसे लाहौर आई हूँ अपनी मम्मा के घर। भारत की हो? नहीं मैं हूँ लाहौर की, जेहलम शादी करके गई हूँ, मेरी बेटी हैदराबाद गई है। तो उधर हर लेवल के लोग हैं, भारत के हैं, सिंध के हैं, हर चीज़ के। लेकिन माँ वो बताती है, मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारे इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मज़हब की वो करते नहीं हैं, कह लें फेमस नहीं करते हैं अपने मज़हब को, जितना वो अपने मज़हब का ख्याल रखते हैं हर मामलात में। कहने को तो वो हिंदू हैं लेकिन कम अज़ कम अपने हर मामलात का ख्याल रखते हैं, इतना मुसलमान भी नहीं करते। एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही पूछना चाहूँगी, औरतों की वहाँ अगर आज़ादी की बात करते हैं, मतलब औरत को प्रमोट करना कि आप लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोग आगे बढ़े, तो वो लोग कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ पर हैं? मेरा ख्याल है वो बेस्ट है और वो ज़्यादा सही है अगर इस तरह की यहाँ दे दी जाए। लेकिन यहाँ तो पहले यही सबसे पहले हो जाता है कि आदमियों की निगाहें नहीं टिकती हैं, और वो लड़की को देखो, वो लड़की को देखो उसने क्या पहना है, औरतों की जो है तानेबाजी, ये तुम्हारी अच्छा ये वाली मेरी, हाँ, और तानेबाजियाँ के वो देखो वो उसने क्या पहना है, हाँ शर्म करो,
लेकिन वहाँ अगर वो ओपन माइंड है ना, किसी की मजाल नहीं है, अपने जा रही हैं काम पर, अपने आ रहे हैं और तरक्की इसी चीज़ पर वो अप टू डेट हो रहे हैं, यही बात है ना, मेन ये बात है। ये कहने की बातें करते हैं ये सारे कि भाई अपने माहौल को इस तरह ढको करो, ये करो, और बीच में कह लें कुछ भी नहीं है तो भी अमल नहीं करते, खुद अमल नहीं करना। मैं सबसे एक बड़ी बात कहूँगी ज़िंदगी में, मैं जो अपने बच्चों को भी नसीहत करती हूँ कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, पहले करो फिर किसी को नसीहत करो, ये चीज़ पहले अमल करो फिर किसी को नसीहत करो। मस्जिदें वगैरह वो ये है कि किसी के दखल अंदाजी नहीं करते, हाँ छेड़खानी अगर उनके मज़हब को की जाए, फिर वो लोग कहते हैं ना कि किसी को पत्थर मारोगे तो ईंट तो आएगी, मतलब ऐसा मुसलमानों के साथ ज्यादा नहीं करते, वो नहीं करते। तो बाकी ये है कि अगर खुद भी कुछ किया जाए फिर दूसरा तो इंसान कहते हैं ना कि तंग आकर फिर कुछ ना कुछ करता है। बाकी तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी मुसलमानों के लिए बेस्ट है वो कंट्री है। हाँ जी मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, हमें तो इन चीज़ों से पता है। और दूसरे तालीम के मामले में मैं ये कहूँगी सबसे बड़ी बात, बात होती है आपकी उनसे बात, लो हमारे मेरी भाभी वहीं की आई हुई है इधर पाकिस्तान में। हाँ जी तो वो क्या कहती हैं कि वहाँ अब क्या तरक्की है, आपकी तो वो बात बताती हूँ, लेकिन अब ये है कि इधर पाकिस्तान वालों ने ना डायरेक्ट जाना मना कर दिया दुबई की तरफ से, तो इसलिए बड़ा मुश्किल उनका भी जाना। ये तो क्या कहती है, तरक्की ज़्यादा है हम, तरक्की ज़्यादा, ये तो हमें खुद भी पता है। बाकी एजुकेशन के मामले में ये मैं सबसे बड़ी बात कहूँगी कि अगर माँ तालीम पर तवज्जो दे। तो फ्रेंड्स ये थी पाकिस्तानी आंटी जो कि इंडिया घूमने आई, उनकी लड़की की शादी भी जो है इंडिया हैदराबाद में हो रखी है, तो वो इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उससे इतने प्रभावित हुए और जाकर पाकिस्तान के वो लोगों को बता रही, जिस तरह निम्रा को बता रही थी वो किस तरह से वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है इतना अच्छा। जब ट्रंप आए थे इंडिया तो ट्रंप की वाइफ थी वो दिल्ली के जो स्कूल थे उनको देखने गई थी वो, कि किस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है, और दिल्ली जो स्कूल है पूरे वर्ल्ड क्लास पढ़ाई जाए वहाँ पर, अब बहुत सस्ते में पढ़ाया जाता है दिल्ली के स्कूल जो है, कुछ दिनों में और आने वाले टाइम में जो है पूरे वर्ल्ड क्लास लेवल के हो जाएंगे, बहुत सस्ते में अब बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। इंडिया में शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो आगे पढ़े हैं, और होता भी ऐसे ही जो कि बच्चे वो भी इंग्लिश खासी अच्छी खासी बोल लेते हैं। तो पाकिस्तान से इंडिया वैसे ही इतना आगे है तो डेवलप तो हो गई, तो हमारी हर चीज़ इनसे अच्छी होगी, तो पाकिस्तानी को अच्छा लगता है कि वो इंडिया आए यहाँ घूमे फिरे, क्योंकि इंडिया जो है उनके लिए अमेरिका की तरह है। तो ये पाकिस्तान की आंटी थी, बहुत अच्छा लगा इनको सुन के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, निम्रा ऑफिशियल की ये वीडियो थी, तो निम्रा ऑफिशियल का मैं चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना, बहुत अमेजिंग वीडियोज़ ये बनाती है। तो इस वीडियो पे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बहुत सारे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।